हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। दोस्तों, आज का टॉपिक है ये हमारी स्मार्ट बोर्ड। आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, ये कैमरा में कि इसकी नंबर दिख रहा होगा कि आपको CV338H A42। ये बोर्ड A42, A32 और A50 बोलकर आती है। तो इसकी हर सॉफ्टवेयर यानी हर फर्मवेयर अलग अलग होती है और ये लगभग 8GB 4GB में आती है। तो आपको ये देखकर आपको इसमें फर्मवेयर अपडेट करना होगा। और ये अभी आप देख रहे हो कि इसमें ये चाइना वाली फर्मवेयर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये प्रॉब्लम आपको फीलिंग होता होगा, देख रहे हो ये लैंग्वेज जो है वो चाइना है, यानी ये चाइना में दिख रहा है। और इसमें ये वाली जो रिमोट है, ये हमारी मार्केट वाली जो रिमोट है, ये वर्क कर रही है। लेकिन इसकी चाइना से इंग्लिश करना थोड़ा बहुत कठिन है, लेकिन इसको इंग्लिश करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग दूसरी फॉर्मवेयर डालेंगे जो कि वो हमारी सैमसंग की रिमोट काम करेगी। वो जो फॉर्मवेयर हम लोग डालेंगे ना, तो ये वाली जो देख रहे हैं आपको, ये सैमसंग की रिमोट, ये रिमोट काम करेगी। और ये जो रिमोट काम करेगी, रिमोट काम करने के बाद आपको बहुत सारी ऑप्शन जो है इसको आपको सेव करना होगा। ये थोड़ी अलग है, मतलब कोई दूसरा स्मार्ट बोर्ड की तरह ये नहीं है, इसको सेव करना पड़ता है। यानी वैल्यू चेंज करने का, मिरर या LVDS मैपिंग, ये सब अगर चेंज करने के बाद भी आपको इसको सेव करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी ट्रेनिंग जो है वो कोलकाता में स्टार्ट होने वाली है। आपको ये डेट दिखाई देता होगा, ये 27 से लेकर 31 तक है। ये 5 दिन का ट्रेनिंग होता है और ये 15 मेंबर की बैच होती है। आप चाहो तो इसमें भाग ले सकते हो। और इसमें सीट बुक करने के लिए 9874622670 पे कॉल करके आप चाहो तो सीट बुक करा सकते हो, जो कि हमारी फुल प्रैक्टिकल ये ट्रेनिंग होती है, कोई प्रोजेक्टर पे नहीं होती है। और ये A to Z दिया जाता है, स्मार्ट बोर्ड से लेकर पैनल से लेकर, खासकर इस पैनल और स्मार्ट बोर्ड पे ध्यान दिया जाता है। और ये हमारा बांग्लादेश के लिए है, जो कि जुलाई महीने में होगा। तो आप बांग्लादेश में अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़े। आखिर ये स्मार्ट बोर्ड है क्या? स्मार्ट बोर्ड में अधिकतर आप परसेंट के हिसाब से अगर चलोगे तो 100 में 90% ये फर्मवेयर की प्रॉब्लम होती है, हालांकि इसमें कुछ है नहीं। एक हमारी मेन आईसी, एक हमारी EMMC IC, बाकी जो अदर्स होती है पावर सप्लाई, साउंड सेक्शन और ये रेगुलेटर, ये सब वाईफाई सेक्शन। तो स्मार्ट बोर्ड में सिर्फ आपको एक ही चीज मान के चलना होगा कि इसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम यानी सॉफ्टवेयर की इशू बहुत ज्यादा आती है। तो इसका आपको EMMC के लिए मैं शेयर कर दूं कि आप देख रहे होगे कि इसकी EMMC पिन क्या है। अगर आपके पास ये मॉडल होगी, ये पार्ट नंबर होगा, ये बोर्ड नंबर होगा जो कि 338H, ये A42 हो या A50 हो या 32 हो, ये सबका एक ही है। आप यहाँ पर गौर करोगे थोड़ा तो देखोगे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक पॉइंट, यहाँ पर ये देखोगे हमारा स्क्रू ड्राइव का, तो ये जो एंगल है ये हमारी CLK यानी क्लॉक है। और ये 220 रेशंस की वैल्यू लिखा होगा नंबर, जो कि 22 ओम्स की होगी। ये रेशंस की पहला जो ग्रुपिंग रेशंस है उसको छोड़कर दूसरी वाली ग्रुपिंग रेशंस की, ग्रुप रेशंस की पहली वाली पिन जो है वो हमारी D0 है। और यहाँ पर आओगे तो एक आपको फॉइल दिखेगी जो कि वो होल होगी, एक छोटी सी होल होगी, जो कि होल होने का प्रूफ होता है कि ये कहीं पर दूसरी जगह कनेक्शन गई है, यानी ये अंदर अंदर ये लेआउट में बनी हुई रहती है हमारी PCB, तो इसकी अंदर अंदर कहीं पर इसकी कनेक्टेड है। तो आपको इस होल जो दिखेगा, ये होल में आपको CMD लगेगा। तो ये तीनों है, देख सकते हो कि मैंने इसमें एक पतली पतली हल्की वायर भी निकाला हुआ, वो हो सकता है आप देख सकते होगे कि दिख रहा होगा, ये देखिए हाथ पे मैंने दिखा रहा है। तो ये हमारी CMD है, इसको सही से आप देख लो। और ये हमारी CLK है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपका वायर, हल्की जंपर वायर, जो कि हम लोग कनेक्शन करके इसको बैकअप लेते हैं।
और ये हमारी D0 है, यहाँ दिख रहा होगा, ये हिल रहा होगा हल्की। तो हम लोग, ये चाइना है, यानी चाइना लैंग्वेज से अगर हमको हिंदी करना है तो हमको क्या करना होगा, पहले हमारी डेस्कटॉप पे जाना होगा और वहाँ पर जो रखे हुए फाइल है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक पेन ड्राइव में, ये पेन ड्राइव में हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको सेफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, इजेक्ट करेंगे। यानी इसको इजेक्ट करने से क्या होगा, इसमें कोई भी अगर फाइल आपको मिसिंग ना मिलेगी, इजेक्ट करने से सेफ रिमूव होगी। तो आप लोग हमेशा ये बात को ध्यान लेकर चलोगे। तो चलो हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग कॉपी कर ले और ये हमारी सैमसंग की रिमोट वर्क करेगी। और ये बात, ये फुल HD की है ये पैनल हमारी, यानी 1920x1080। देख रहे दोस्तों, ये हमने पेन ड्राइव में इसको सॉफ्टवेयर को हमने ले लिया, सॉफ्टवेयर बोलो या फर्मवेयर बोलो, एक्चुअली जो USB से होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। और काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर फर्मवेयर मैंने कोई वेबसाइट पर, कोई टेलीग्राम पर, कोई दूसरे साइट पर, तो फर्मवेयर मैंने लोड किया, लोड करने के बाद हमारी सेट है जो कि चल रही थी, रेजुलेशन की प्रॉब्लम थी और वो डेड हो गई। तो मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों लोग कि आप लोग कोई भी वेबसाइट, खासकर टेलीग्राम हो या कोई भी हो, तो उसमें विश्वास ना करें, क्योंकि वो अधिकतर वेबसाइट फेक होती है और जो कि नाम कुछ और रहता है और उसमें रेजुलेशन कुछ और डाली हुई रहती है। तो उससे क्या हो सकता है कि आपका जो TV चल रहा है वो डेड भी हो सकता है। तो इससे आप लोग क्या करो, सावधान रहो और बिना सोचे समझे आप कोई भी फर्मवेयर को आप डाउनलोड मत करो, यानी अपग्रेड मत करो। और इसका बैकअप लेना पहले आप उचित समझो, कि बैकअप लेने से क्या होगा कि आपकी जिस हालत में थी उस हालत में पोजीशन में आपकी TV जो वापस आ सकती है। तो हमेशा याद रखना होगा कि ये USB 1, अगर USB 1 में अगर डिटेक्ट किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो USB 2। कुछ कुछ सेट में आप ऐसे इन करने से ये क्या होगा, ऑटोमेटिक, मतलब ये अपग्रेडिंग आ जाएगा। कुछ कुछ सेट में नहीं आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लग को ऑन करते हुए और हमारी कीपैड से पावर की बटन प्रेस किए रहने से ये अपग्रेडिंग ले लेती है। जैसे कि हमने ये पावर बटन को देख रहे हो, हम प्रेस किया, लॉन्ग प्रेस करके रखना है जब तक ये ऑन ना हो जाए। और यहाँ पर देख सकते हो हमने इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद ये रेड लाइट जली, रेड लाइट जलने के बाद ये देखो यहाँ पर अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्लीज डू नॉट टर्न ऑफ, मतलब आपको बोल रहा है कि जब तक ये फुल ना हो जा रहा है, 100% नहीं हो जा रहा है, तो आप इसको प्लीज बंद मत करो। तो आपको खासकर ध्यान रखना होगा कि ये कम से कम 100% हो जाना चाहिए, 100% होने के बाद भी आप पेन ड्राइव को रिमूव मत करो, क्योंकि उसको कुछ देर रहने दो, क्योंकि उसमें कुछ फाइल है जो कि अपग्रेड होने के बाद भी वो लेती है, यानी वो फाइल बाद में अपग्रेडिंग आफ्टर आपको वो फाइल फिर से रीड करती है। इसलिए हर बोर्ड में नहीं, आप ये मान के चलो कि हर बोर्ड में ही होगा, ये नहीं, कुछ कुछ बोर्ड में, तो आपको मालूम नहीं कि कौन सा बोर्ड में क्या होगा, तो इसलिए आप उसको रहने ही दो। तो हम लोग देखे इसको 100% होने दो, यहाँ पर दिखाइए आप, इसको 100% होने दो। 100% होने के बाद ये हमारी जो सैमसंग की रिमोट है ये वर्क करेगी, ये दिख रहा है ना, ये आपको अभी ये कर रही थी। जो आप लेकर जाओगे कहीं मार्केट से तो हो सकता है वो चाइना लैंग्वेज हो, तो आपको इसको इंग्लिश करना पड़ेगा, तो इंग्लिश आपको इस हिसाब से ही करना होगा कि दूसरी सॉफ्टवेयर या दूसरी फर्मवेयर। सॉफ्टवेयर मैं इसलिए बार बार तुमको बोल रहा हूँ कि तुम लोग एक ही चीज जानते हो कि सॉफ्टवेयर, लेकिन दूसरी फर्मवेयर। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी फर्मवेयर डालते हैं। फर्मवेयर जो है वो यूजर फाइल होती है जो कि रेजुलेशन चेंज होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये लगभग 100% हो गई, और 100% होने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये स्टैंड बाई मोड में, और हमको इसको एक बार पावर को ऑन करना होगा। तो जैसे हमने इसको पावर को ऑन किया, देखिए पावर ऑन किया तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा स्मार्ट, तो ये स्मार्ट बोर्ड है, इसलिए वो स्मार्ट लिखी हुई आ रही है।
लेकिन ये अगर हमारी तरफ है ये पैनल, हालांकि पैनल ये उल्टी है, अगर ये हमारी तरफ है तो ये पिक्चर मिरर में है, यानी ये उल्टी पिक्चर है और आपको अभी से ही दिख रहा होगा कि ये एक मैपिंग की प्रॉब्लम है। तो ये दो चीज बहुत जरूरी है, कोई भी बोर्ड में अगर आप फॉर्मेट दो या फ्लैश फाइल दो या आप नई बोर्ड को इंस्टॉल करो, तो इसमें दो प्रॉब्लम आपको पहला मिल सकता है, पहला आपको मैपिंग की, दूसरी होगी मिरर की। तो ये दो आपको करना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ पैनल में नहीं भी करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन कुछ कुछ में आपको मिरर ऑप्शन आती है, तो इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा। और ये इसकी आपको सर्विस मोड मिलेगी एवी सोर्स 2580, वहां पर जाकर आपको सर्विस ऑप्शन में जाकर इसको आपको सर्विस मोड को वैल्यू चेंज करने के बाद एक सेव ऑप्शन आएगा, तो आप जब तक उसको सेव नहीं करोगे तो ये फाइनली सेव नहीं होगी। तो हम लोग देख ले, इसको थोड़ी टाइम लगती है, इसको मतलब फर्स्ट बार ये फॉर्मेट दिया गया है ना, तो थोड़ी अपडेट होने में समय लगती है। देखिए दोस्तों, ये हमारा सेट जो है वो अपडेट हो गया, पहला अपग्रेडिंग लिखा, अपग्रेडिंग होने के बाद अपडेट हुआ, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे हाथ में सैमसंग की रिमोट है और ये वर्क कर रही है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मैपिंग की प्रॉब्लम दिख रही होगी, तो हम लोग आए अगर इसके मैपिंग को ठीक कर ले, तो इसकी सर्विस मोड यहाँ पर दिखाइए आप। यहाँ पर इसकी सर्विस मोड आपको 3 सेकंड में पूरा करना होगा, कोई भी सर्विस मोड अगर आप ओपन करो तो उसको कोशिश करो कि 3 सेकंड में आप उसको कंप्लीट कर दो। तो मैंने सोर्स 2580, जैसे हमने इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद देखो अभी भी नहीं आया, लेकिन मेरी लेट होगी इसके मतलब, तो चलो एक बार हम लोग फिर ट्राई करें सोर्स 2580। देखो यहां पर आ गया, ये 3 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा, और ये कंप्लीट करने के बाद यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसे आया हुआ है, तो यहां पर आपको जाना होगा, यहां पर दिख रहा होगा कि एडजस्ट, ये साउंड एडजस्ट, ठीक है, यहां पर कुछ हो गया जो नहीं दिख रहा होगा आपको। तो हम लोग कहां जाए, ऊपर में एडजस्ट, एडजस्ट में जाकर हमने क्या क्या ओके किया, और ओके जैसे हमने किया तो देख रहे हो यहां पर ये चलिए ये ऑप्शन, तो यहां पर हमको एलवीडीएस टी मैप में जाना है या टी मोड, यहां पर आपको दिख रहा होगा एलवीडीएस टी मोड। अब यहां पर हम लोग एलवीडीएस टी मोड यहां पर भी है और यहां पर बीट मोड है, तो हम लोग टी मोड में जाए। टी मोड में जाने के बाद अब हमको इसको वैल्यू चेंज करना होगा, जैसे वैल्यू चेंज किया तो यहां पर एक आ गया, यानी ये वैल्यू चेंज हुई। अब हमको जाना है मिरर, मिरर मोड यहां पर दिख रहा होगा जो लिखा है ऑन, इसको हमको क्या करना होगा, ऑफ करना होगा, ये ऑफ किया। ऑफ करने के बाद आपको यहां पर लिखा होगा, आप देख सकते हो ये उल्टी है, मेरे को भी पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, तो ये है अनसेव, अनसेव है, यानी आपको इसको क्या करना होगा, सेव करना होगा। तो सेव जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये बार बार आपकी ऑप्शन चेंज नहीं होगी। तो यहां दिख रहा है अनसेव, हमने इसको सेव किया तो देखो यहां पर लिखा प्लीज वेट, और यहां पर देखो सेव हो गया। ये सेव हो जाने के बाद फिर हमको क्या करना होगा, इसको एग्जिट हो जाना होगा। यहां पर एग्जिट होने के बाद क्योंकि ये उल्टी है, हमको भी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम लोग क्या करें, बंद करके फिर एक बार ऑन करें। ऑन करने के बाद देखें ये ठीक हुई है कि नहीं, कुछ कुछ है कि आप ऑन ऑफ करोगे तो वो मिरर शो करेगा, कुछ कुछ सेट है कि आपको ऑन ऑफ करके पावर को ऑफ करना होगा, उसके बाद वो मिरर जो होगी वो हमारी रिवर्स में आएगी। देखो ये हमारी मैपिंग की प्रॉब्लम भी दूर हो गई, और ये हमारा जो मिरर का प्रॉब्लम था ये भी दूर हो गया, आपको दिख रहा होगा। और ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए जो कि उसमें चाइना आ रहा था, तो यहां पर देख ले हमारी इंग्लिश आया है कि नहीं, क्योंकि वो मैपिंग में आपको सही से नहीं दिखाई दिया होगा। और यहां देख रहे हो दोस्तों, ये हमारी इंग्लिश हो गई, यहां पर दिख रहा है, तो ये सैमसंग की भी रिमोट वर्क कर रही है। ओके दोस्तों, ये हमारी ट्रेनिंग जो है ये कोलकाता में होने वाली है, ये सब मैं A to Z अपने ट्रेनिंग में देता हूं कि कैसे अपडेट किया जाता है, कैसे डेट सेट को, रिकवरी को,
कैसे हम लोग उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाते हैं, यानी डेट सेट हो अगर स्मार्ट बोर्ड अगर हो जाए तो उसको फिर चालू कैसे किया जाता है, तो ये सब डिटेल्स हम अपने ट्रेनिंग में देते हैं। और ये हमारे एक स्टूडेंट जो है वो लाए हैं कि चाइना जो मार्केट में आ रहा है तो चाइना को इंग्लिश कैसे करें, तो इसलिए ये वीडियो मैंने सोचा कि आप लोग को भी शेयर करूं ताकि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। ओके बाय।